हमीरपुर ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि कोविड-19 से लड़ने के लिए किन किन जिलों में कितने कितने बिस्तरों की ऑक्सीजन सहित और वेंटिलेटर सहित व्यवस्था की गई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पिछले 7-8 महीनों से कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और अब जब कोविड-19 के संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो अब तैयारी करने की बात कह रहा है। इसका ताजा उदाहरण पिछली कैबिनेट मीटिंग में देखने को मिला, जब कोविड फैलने के 11 महीने के बाद सरकार की कैबिनेट को याद आया कि कोविड-19 मरीजों के लिए प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। जब कोविड के मरीजों की हालत खराब हो रही है तो उनको मंडी नीरचौकिया शिमला रेफर किया जा रहा है और इस स्थिति में मरीजों की हालत और बदतर होती जा रही है, जिसके ताजा उदाहरण हमें पिछले 4-5 दिनों में लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें हमारे बहुत से नौजवान नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अश्विनी कुमार ने कहा कि युवा कांग्रेस जल्द ही सरकार को इस लापरवाही और लाचारी के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी, क्योंकि लगता है कि लोगों की जान की कीमत इस सरकार के सामने कुछ भी नहीं है। सरकार की हालत ऐसी हो गई है जैसे दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। एक तरफ तो कैबिनेट में डिसीजन लिया जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ खुद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी कांगड़ा में तो कभी बिलासपुर में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वागत के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठे करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुखिया ही अगर इस तरह का कोविड संक्रमण को फैलाने में आगे रहेगा तो अन्य लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। युवा कांग्रेस सरकार का कड़े शब्दों में विरोध करती है कि आज कोरोना को फैले हुए 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक प्रदेश में कोरोना के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने के सिवा सरकार कोई काम नहीं कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि किन किन जिलों में कितने बेड, कितने ऑक्सीजन और कितने वेंटिलेटर तैयार कर दिए गए हैं कितनी मरीजों के लिए। और बड़े शर्म की बात यह है कि जहां प्रदेश में के मुखिया लोगों को नसीहत दे रहे हैं, भाई खुद बहुत मियां फजीहत बने हुए हैं और बड़ी बड़ी संख्या के में कांगड़ा और बिलासपुर में रैलियां की जा रही हैं और कोरोना के संक्रमण को फैलाया जा रहा है, जबकि आम जन को बड़ी बड़ी नसीहत दी जा रही है। युवा कांग्रेस जल्द ही सड़कों पर उतरने का कुरेज नहीं करेगी सरकार के खिलाफ और आंदोलन करेगी कड़े से कड़ा।